दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिट फॉर रन स्टार्ट कैमरा पर्सन आदित्य को भी आप देखिपे जो रही केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से अनेक प्रोफेसर छात्र समस्ते जोग देते आज ये दिन जी देशर प्रथम गृहमंत्री थे किभली भाव भारत बर्षर एकत्रीकरण कोगदान से विषय को उल्लेख कर आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय यह कार्यक्रम होनेक जगार एभली कार्यक्रम आयोजन कराई आप देखिपे सीधा चित्र केन्द्र शिक्षामंत्री यूनिट फॉर रन कार्यक्रम पार्टिसिपेट कर देशर अखंडता जहाँ योगदान थी उद्देश्य ही आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाए। देश की आजादी की पहले, देश की आजादी के उपरांत आज तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमको आज एक एकीकृत रूप भारत को हम सभी के सामने है, भारत के एक एकीकृत रूप है। उस समय में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, मैं शिक्षा परिसर में हूं, 1835 की मैकॉले मिनट्स में जो रचना बनाई गई थी उसकी संघर्ष करते करते 1947 हो गया। लगभग 100 साल की लड़ाई के उपरांत जब आजादी मिल सकता है ये आस देश में जगी, उस समय में सरदार जैसे एक स्ट्रांग विल पावर की नेता ना होते, उस जो नेतृत्व की समूह था, कई सेल्स के लोग थे, कई विचारों के लोग थे, तब तो ही राष्ट्रीय नेतृत्व कहा जाता था। उस समय में एक बैलेंसिंग फैक्टर करके सरदार पटेल जी की भूमिका रही है। सब हम लोग उनके बारे में पढ़े हैं, उनके बारे में अध्ययन किए हैं, रिसर्च करने वाले लोग यही उनको प्रतिपादित किया है। कई सेट्स है सरदार जी के, राष्ट्रीय एकता दिवस इसीलिए मना रहे हैं, सिर्फ भारत को राजनीतिक आजादी दिलाना उनकी दायित्व के अंदर नहीं था। मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में और एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सरदार अगर ना होते, देश की सहकारिता मूवमेंट की इतनी रूप होता है कि आज जब 2022 में भी हम प्रमुख चुनौती गिनते हैं देश के सामने, जब हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, देश की लोगों की हाथ में काम, नियोजन, रोजगार, स्वरोजगार, ये एक चुनौती है। कोई भी सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग व्यवस्थापना के काम पे हैं, गवर्नेंस के काम है, उन सभी के सामने दायित्व बनती है कि देश की नई पीढ़ी के लिए, देश के नागरिकों को एक सम्मान की जिंदगी दिया जाए, उसके लिए उनके लिए अवसर खड़ा करें। जितना ही अभियान योगदान सरदार पटेल की देश की एक पॉलिटिकल एंटिटी करके, कल्चरल एंटिटी करके बनाने में है, अनेक कहानी किस्से हैं। अभी अभी सितंबर महीने में तेलंगाना एकीकृत दिवस मनाया गया, हैदराबाद के निजाम से भारत को अलग करके रखने की जो षड्यंत्र तब हुई थी उसको सितंबर में ही पूरा किया गया था 1947 में। अनेक राज रजवाड़े हैं जिनकी एकीकृत किया गया, लेकिन सरदार पटेल उतना ही याद रहते हैं सबके मन में। देश में सहकारिता मूवमेंट को उन्होंने एक नई आयाम दिया। मित्रों, विश्व भर में जब अर्थनैतिक ढांचा कैसे हो उसकी चर्चा हो रही है, क्या एक यूनिटरी ढांचा हो, मार्केट इकोनॉमी आधारित हो, या एक डिसेंट्रलाइज मॉडल हो, दायित्व किसके पास रहे संपन्नता लाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तब उस समय में भारत की जो जीवन पद्धति में एक व्यवस्था था, कोऑपरेटिव मूवमेंट। भारत की कोई भी गांव में जाइए,
उस समय में मैं हरियाणा के पास हूं। हरियाणा में महाराज अग्रसेन के बारे में ये कहा जाता है, उन्होंने कोऑपरेटिव का एक नया ढांचा दिया था, एक ईंट लगा के सामाजिक सरोकार कैसे बनती है, एक एक ईंट में से कैसे एक मंदिर निर्माण होती है, कैसे एक व्यवसाय की ढांचा खड़ा होती है, आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस में एक अध्ययन की विषय है। यानी इस देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट, मिलके रहना, मिलके काम करना और लाभांश की एक सीमा रखना, ये एक परंपरा रही है। उसकी भी जनक आधुनिक भारत में सरदार पटेल रहे। सरदार पटेल जी को हम कैसे भी याद करें, देश की एकता, देश की अखंडता, जब भारत की एक नई पहचान 21वीं सदी में बनते दिख रहा है, उस समय में सरदार की कंट्रीब्यूशन को, सरदार की योगदान को हम लोग बार बार याद करेंगे तो देश की भविष्य सुरक्षित रहेगा। विशेष करके नई पीढ़ी, इसके बारे में जैसे मैं आग्रह रखूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी सरदार पटेल की इस एकता मुहिम में जो काम हुई, अनेक काम हुए भी होंगे पिछले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में सरदार जी की नेतृत्व के बारे में, विशेष करके आजादी के उपरांत अनेक लेख, अनेक काम हुए होंगे, एक बार उसको फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जिम्मेवारी ले, देश के सामने एक विश्वविद्यालय की जो दायित्व रहती है कि उसको प्रासंगिक करके, कॉन्टेक्चुअल करके, देश की अमृत महोत्सव के अवसर पे, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे इसको एक पुनः वितर्क में लाए, चर्चा में लाए, क्योंकि कुछ चीज हम लोग आस्था के केंद्र के पास बार बार जाके एक ही विषय को दोहराते हैं, तभी जाके उसमें से आस्था और उसमें से आगे चल के पथ मिलता है हम लोगों को। ऐसे ही सरदार पटेल के बारे में हम बार बार उनकी भूमिका, उनकी नेतृत्व, उनकी स्ट्रांग विल पावर, निर्णय क्या है, कितना भी विषम परिस्थिति हो, निर्णय देश हित में कैसे लिया जा सकता है, इससे बढ़िया उदाहरण सरदार के जीवन से कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत आभारी आप सभी को, आप सभी लोग इस महेंद्र मुहूर्त में एकत्रित हुए विश्वविद्यालय की परिसर में, कैंपस में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक कल्पना रही है, देश की नागरिक आज के दिवस पे आए, राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ करें और उनके लिए एक रन फॉर यूनिटी, विश्व की जो सबसे ऊंची स्मारक बनाई गई है, बृहद स्मारक बनाई गई है, देश की लोगों की कंट्रीब्यूशन से बनाई गई है, उसी को याद करें। आप सभी का पुनः आभार, नमस्कार। नवा दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य गगन, अर्गस न्यूज़।